हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के सभी फॉर्मूला की क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, आपने अब सारे टाइप्स की इंटीग्रेशन पढ़ ली है। अब आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में किस टाइप को अप्लाई करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपके लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी होगी। ठीक है, आपने इसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपको इजी लगेगी इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में सभी फॉर्मूला जो भी हमने अब तक यूज़ किए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में सभी यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पावर फॉर्मूला, पावर रूल। पावर रूल क्या है? जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन है, तो पावर में क्या आ जाता है, एक ऐड हो जाता है, एक्स की पावर एन डिवाइड बाय, और सी तो साथ आना ही आना है, कांस्टेंट तो साथ आना ही आना है। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, एक्स की पावर 6, तो इसका क्या आएगा, एक्स की पावर 7 डिवाइड बाय 7। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 5/2, अब 5/2 में एक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/2 डिवाइड में 7/2 प्लस सी, और 7/2 का क्या हो जाएगा, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। इसी तरह अगर हम रूट की करेंगे तो रूट तो सबको पता है क्या होता है, 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइड में 3/2, और 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3, तो 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब सेकेंड है हमारे पास कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता है के, ठीक है, तो इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास के आ जाता है और विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो क्या आ जाएगा, के वाई प्लस सी, यानी जिसके रिस्पेक्ट टू करना है वही फंक्शन साथ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ रूल है। जैसे हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आता है, जैसे 5x आता है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब कांस्टेंट भी है फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, x dx, अब x की इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या जाएगा, 5x² / 2 प्लस सी। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 में ऐड हो जाएगा, तो x² / 2। लेकिन अगर कांस्टेंट एडिशन में, जैसे 5+x है, तो फिर 5 की भी इंटीग्रेशन होगी और x की भी, तो यहाँ क्या जाएगा, 5x+x² / 2। ये बात आपने याद रखनी है, अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उसकी भी इंटीग्रेशन होगी और फंक्शन की भी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स। तो इसी तरह फोर्थ हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई एक्स। ठीक है, और ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए। अब आप बोलोगे यहाँ डिवाइड में लॉग ऑफ ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लॉग ऑफ ई 1 होता है, क्योंकि लॉग ऑफ ई हमारे पास क्या होता है, 1, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, नेगेटिव कॉस ऑफ एक्स। और इसी तरह सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स। सेवन्थ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। अब टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स की इंटीग्रेशन दो है, या तो आप लिख दो लॉग ऑफ मॉड सीकेंट एक्स, या आप लिख दो माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि मॉड जरूर डालना है, क्योंकि लॉग में हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, नेगेटिव फंक्शन नहीं होते। तो टेन की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करेंगे लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉस एक्स। कभी हम लॉग ऑफ सीकेंट एक्स यूज करते हैं लेकिन
बुक के पीछे दिया होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कोस एक्स, तो आपने याद रखना है भी जो आंसर है उसके साथ मैच करना है। लेकिन एग्जाम में आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको नहीं ना मालूम होगा कौन सा आंसर यूज़ होना है कौन सा नहीं, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ है हमारे पास कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जैसे साइन में कन्वर्ट करके, तो वो भी याद रखना। इसका एक और है वो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाय टू प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट को 1 बाय साइन, कॉट को साइन कॉस बाय साइन, तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास टेन एक्स बाय टू बन जाएगा। नाइन्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब सीकेंट इसकी एक और फॉर्म है, सीकेंट को 1 बाय कॉस, टेन को साइन बाय कॉस कन्वर्ट करोगे तो वो फॉर्म क्या बन जाएगी, टेन ऑफ एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर प्लस सी। तो ये फॉर्म भी आपको याद रखनी है सीकेंट की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, टेंथ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, जो न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारे 10 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इंटीग्रेशन 1/1 + x². अब आपको ये पता होना चाहिए ये किसका डेरिवेटिव है, ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह 12th, 1/√(1 − x²), तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह 13, 1/(x·x²−1), √(x²−1), तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप इसकी ये भी लिख सकते हो, क्योंकि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है और माइनस कॉट इनवर्स का भी तो यही डेरिवेटिव है, तो आप ये भी लिख सकते हो माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x². अब नेगेटिव कॉट इनवर्स, क्योंकि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हम इसे नेगेटिव लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं नेगेटिव कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रूल। नेक्स्ट तो चलते हैं 14th रूल पर। अब हमारे पास है 14th इंटीग्रेशन ऑफ x² + a², 15 इंटीग्रेशन ऑफ x² − a² और 16 इंटीग्रेशन ऑफ a² − x². अब इनके क्या फॉर्मूले हैं, अब ये देखो ये टेन की तरह नहीं लग रहा, x² + a² ये हमें टेन की तरह लग रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/a टेन इनवर्स x/a + c, ठीक है, ये याद रखना आपने। इसी तरह ये x² − a² और a² − x² ये दोनों मिलते जुलते हैं, यहाँ भी 1/2a आएगा और यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी लॉग आएगा और यहाँ भी लॉग आएगा, यहाँ भी मॉड है, यहाँ x² − a² है, तो यहाँ क्या आएगा, x − a और x + a + c, और यहाँ a − x है, तो a² पॉजिटिव है, तो यहाँ याद रखना है a+x और a − x आएगा। स्टूडेंट इसी पर ही गलती कर देते हैं, यहाँ a − x और a+x लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना है अगर a² पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या लिखना है, a+x और a − x, अगर x² − a² आ जाए तो आपने लिखना है x − a और x+a, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब 17th फॉर्मूला हमारे पास 1/√(a² − x²। 18th है हमारे पास 1/√(x² + a² और 19 है हमारे पास 1/√(x² − a². तो ये तीन मिलते जुलते फॉर्मूले हैं हमारे पास, और ये तीनों रूट वाले, ठीक है। अब ये देखो a² - x², ये फीलिंग नहीं आ रही भी, ये साइन इनवर्स की आइडेंटिटी जैसा, तो
तो ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस आपने याद रखना है टेन में 1/a आया था, साइन में नहीं। स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, साइन के आगे भी 1/a लिख देते हैं तो वो उनका गलत हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, ठीक है। टेन इनवर्स के आगे आएगा, जहाँ आप हमारे पास 1/a² + x² था, ये ऐसे हमारे पास था 1/a² + x², इसकी आइडेंटिटी के आगे टेन ए आएगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय। लेकिन अगर हमारे पास √a² - x² है तो यहाँ 1/a नहीं आएगा, यहाँ सीधा आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ये कैसे लिखना आपने, लॉग, यहाँ भी हमारे पास लॉग, मॉड, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ठीक है, यहाँ भी प्लस, फिर यही क्वेश्चन रिपीट, x² + a² + c, यहाँ भी प्लस, x² - a² + c, ठीक है। तो ये हमारे थे रूट वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास 20 है, इसे न्यूमिनेटर फॉर्मूला बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - x² 21, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² 22, इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² ये तीन फॉर्मूले। तीनों में सबसे पहले तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी स्टार्टिंग में, x/2, x/2 और x/2, और फिर यही रिपीट कर देना, √x² - a² √a² - x² और √a² + x² यहाँ ए स्क्वेयर के आगे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी ए स्क्वेयर के आगे पॉजिटिव है, यहाँ भी ए स्क्वेयर के आगे पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ a² / 2, यहाँ भी a² / 2, यहाँ भी a² / 2। बस ये a² - x² हमने अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, 1/√a² - x² किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इन दोनों का फॉर्मूला हमने किस में पढ़ा, अभी लॉग में पढ़ा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, यहाँ भी क्या आ जाएगा, लॉग, ठीक है, यहाँ एक्स प्लस √x² - a² + c, यहाँ क्या आ जाएगा, x+√x² + a² + c। तो ये थे हमारे फुल रिवीजन, यानी आपने पूरे एक बार सभी फॉर्मूले को रीड कर लेना है, एक बार लिख लेना सभी को कॉपी में, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन के बस टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन से करो, बाय पार्ट से करो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सभी टाइप एक कॉपी पे टाइप्स बना लो, और सभी टाइप के दो दो चार चार क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी लगेगी। तो हमने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल की सभी आइडेंटिटी लिख ली है, कल हम वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।